इंतजार करना होगा। अब आगे आपको दिखाते हैं जेबीएम और अशोक लीलन की इलेक्ट्रिक बस। ऑटो एक्सपो 2016 में जेबीएम ने अपनी मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक बस को पेश किया। इस इलेक्ट्रिक बस को इको लाइफ नाम दिया गया है। इस बस की खासियत ये है कि एक बार चार्ज किए जाने के बाद ये बस 200 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर सकती है। टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक अल्ट्रा इलेक्ट्रिक बस अगर लॉन्च किया है तो जेबीएम ने भी एक इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करने की यहाँ पर कोशिश की है। जब आप आएंगे यहाँ पर जेबीएम हो, टाटा हो या फिर अशोक लीलैंड हो, तमाम बसेस जो कंपनी है उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च करने की कोशिश की है। काफ़ी खूबसूरत देखने में अंदर जब आएंगे यहाँ पर, इसका जो मोटर है 180 से 160 किलोवाट का यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक बस है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इंडिया में पहली बार ये बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई है, कई ऐसी इसकी खासियत हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर बैठेंगे, आप इसका सिटिंग एरिया है, जाहिर इलेक्ट्रिक बस है तो थोड़ा इसको हल्का बनाने की कोशिश की जाती है। हल्का इसलिए बनाया जाता है कि इलेक्ट्रिक बस में ज़्यादा लोड नहीं देते हैं, उसका पावर अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल के मुकाबले थोड़ा कम होता है। इसके लिए कोशिश की जाती है कि इसके जो कम से कम हल्का जो बॉडी है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाए। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, लेटेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है और फास्ट चार्ज होता है। जो फास्ट चार्ज होता है 30 मिनट में, आधे घंटे में हो जाता है फुल चार्ज। 200 किलोमीटर तक चल सकती है ये एक बार फुल चार्ज करने के बाद से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये दिखाने की, इसमें दिखाया गया कंपनी की तरफ से कि इसमें चारों जो इसमें जो टायर है उसमें डिस्क ब्रेक इसमें इस्तेमाल किया गया, जो अपने आप में एक अलग चीज़ ज़रूर है सेफ्टी को देते हुए। और इसमें सिटिंग एरिया है, 50 से 100 लोग एक बार इसमें बैठ सकते हैं और 200 किलोमीटर तक जा सकती है। यानी कि आप कुल मिलाकर यही कहा सकता है कि इसमें एक अलग ये है कि आप शहर में सिटी राइड में इसको चला सकते हैं, जैसे आप फीडर बस मेट्रो में देखते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा विकल्प मिल सकता है। वो सिर्फ इसलिए कि इन्वायरमेंट को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए जिस तरीके से तमाम लोग चिंतित हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बस एक फ़ायदेमंद हो सकती है। तो तमाम जितने भी कंपनियां हैं अपनी अपनी बसें ला रही हैं इलेक्ट्रिक बसेस, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक सराहनीय काम ज़रूर है अलग अलग कंपनियों की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से जो अलग अलग कंपनियां हैं, जेबीएम हो, अशोक लीलैंड हो, टाटा हो, उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां निकाली हैं। इसमें दो मॉडल, एक 9 मीटर में भी है, एक 12 मीटर में भी ये बस निकाला गया है। सिटिंग एरिया की अगर बात करते हो, आप सीट देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और इसमें वेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं देता, प्लास्टिक का है। वैसे बैठने में कंफर्टेबल तो है लेकिन इसमें सीट नहीं है, गद्दी नहीं है, जिस तरीके से और भी गाड़ियों में आप देखते हैं। उसका रीज़न ये है कि कोशिश ये की जाती है कंपनी की तरफ से कि कैसे इसको एक हल्की गाड़ी बनाया जाए, थोड़ा इस पर वेट कम हो। इलेक्ट्रिक है इसलिए 9 मीटर में, 12 मीटर में आपको उपलब्ध होगी कार। जब बाज़ार में आएगी तो जाहिर है एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा जब बाज़ार में आएगी। आपको आगे हम दिखाना चाहते हैं जो केबिन एरिया है, ड्राइवर का एरिया है, वो कितना खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया। पहले भी आपको हमने टाटा की जो कार बस दिखाई थी वो भी बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको अंदर से सजाया गया है, ये बस भी वैसे यहाँ पर सजाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर इधर का एरिया, आप एसी का एरिया देखिए, आप यहाँ पर जो बटन्स हैं, ड्राइवर का जो एरिया काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है इसमें। यानी कि आप जब इसको शहर में सिटी में चलाएंगे तो खूबसूरत है, साथ ही साथ इसका पर्यावरण के ख्याल से भी, उसके भी नज़रिए से कहीं ना कहीं एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है ये बस। अब देखना होगा जब बाज़ार में आती है तो भारतीय बाज़ार में लोग इसको कैसे अपनी ओर खींचते हैं और कैसे इसको अपनाते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ मैं आरिज मतलूब, न्यूज़ बुल इंडिया के लिए, ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो से। अशोक लेलैंड ने हाई बस पेश की है। ये बस दूसरी इलेक्ट्रिक बसों से थोड़ा अलग है। इस बस को जनरेटर